अच्छा, तो कभी ऐसी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स देख के आपके दिमाग में भी आया कि यार ऐसी पेंटिंग्स कोई बच्चा भी बना लेगा, इसमें क्या बड़ी बात है? बट असल में ऐसी पेंटिंग्स के पीछे बहुत सारा मीनिंग छुपा होता है। खैर, क्या आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के ओरिजिन के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था कैमरास का एग्जिस्टेंस में आना? जी हाँ, तो पहले क्या होता था कि जो भी आर्टिस्ट होते थे वो बहुत ही रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाते थे, और जो भी आर्टिस्ट जितना रियलिस्टिक और जितना डिटेल पोर्ट्रेट बनाता था उसे उतना ही अच्छा आर्टिस्ट समझा जाता था। लेकिन फिर कैमरास का इन्वेंशन हुआ जिसने रियलिस्टिक पेंटिंग्स को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि कैमरास और भी ज़्यादा रियलिस्टिक फोटोज़ लेने लगे और ऑब्वियसली वो और भी ज़्यादा सस्ता और ईजी ऑप्शन था। बस फिर क्या था, आर्टिस्ट रियलिज्म से हट के ऐसी पेंटिंग्स बनाने लगे जो कि कैमरास के बस की बात ही नहीं थी, जिसमें वो अपने आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस और अपनी फीलिंग्स को पेंटिंग्स के थ्रू एक्सप्रेस करने लगे, जिसे आज हम एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।